बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानलेवा हमले के मुकदमे में जिन लोगों ने मुख्तार की जमानत कराई थी, अब उन्होंने जमानत वापस ले ली है। इस पर अदालत ने अभियुक्त मुख्तार को फिर से अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 2009 में गाजीपुर में जानलेवा हमला और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमे में 28 अगस्त 2010 को हाईकोर्ट से जमानत भी मिली थी। MP MLA कोर्ट में मोहम्मद अकबर व मोहम्मद अकमल ने अर्जी देकर कहा कि उनको निजी कारणों से बाहर जाना है, इसलिए वो मुख्तार की जमानत वापस करना चाहते हैं। अदालत ने जमानत वापसी की अर्जी मंजूर कर ली है। मामले की सुनवाई कर रहे MP MLA कोर्ट के स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश दिया कि मुख्तार का कस्टडी वारंट बनाया जाए। आगामी 22 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में मुख्तार को पेश किया जाए। मुकदमा अभी साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन है। कोर्ट ने अग्रिम साक्ष्य को भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। माफिया दूसरे मुकदमे में पहले से ही बांदा जेल में निरुद्ध है। खैर, इस पूरे मामले को देखते हुए लग रहा है कि मुख्तार की मुश्किलें इतने से में ख़त्म नहीं होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।